तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैसे हमारा यूनिवर्स यानी हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है, तो पहले चलो हम ये जान लेते हैं कि हमारा यूनिवर्स क्या है। तो दोस्तों, हमारा यूनिवर्स यानी हमारा ब्रह्मांड वो सब कुछ है जिसे हम देख सकते हैं, और वो भी बहुत कुछ है जो हम नहीं देख सकते हैं। और अगर बात करें साइंस की, तो साइंस के हिसाब से हमारा यूनिवर्स करीब 13.8 बिलियन वर्ष पुराना है, और शायद 13.8 बिलियन वर्ष से भी ज्यादा पुराना हो सकता है हमारा यूनिवर्स। क्या आपको पता है हम स्पेस या अंतरिक्ष में जो भी चीजें देखते हैं वो सब उनके लाइट्स के माध्यम से ही देख पाते हैं। और अगर बात करें स्टार्स की, तो स्टार्स अपने खुद के लाइट्स उत्पन्न करते हैं, लेकिन अगर बात करें चंद्रमा और ग्रह की, तो ये सब रिफ्लेक्शन लाइट से चमकते हैं। और बात करें लाइट्स की, तो क्या आपको पता है दोस्तों कि लाइट प्रति सेकंड में अप्रोक्सीमेटली 3 लाख किलोमीटर पर यात्रा करता है। क्या आपको पता है हमारा यूनिवर्स यानी हमारा ब्रह्मांड प्रति सेकंड में लगभग 70 किलोमीटर से भी ज्यादा विस्तार करता है। और वास्तव में दूर की वस्तुएं कितनी दूर में हैं, इसे कैलकुलेशन करने के लिए ब्रह्मांड में दूरियों की कैलकुलेशन विभिन्न प्रकार के मेजरिंग यूनिट्स का उपयोग करके की जाती है, जैसे कि किलोमीटर्स और माइल्स। ये हमारे सोलर सिस्टम में निकट की वस्तुओं की दूरी को मापने के लिए उपयोगी है, जैसे कि चंद्रमा, ग्रह और एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, ये हमारे सौरमंडल के भीतर की ग्रहों की दूरी को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। और अगर हम बात करें लाइट ईयर्स की, तो ये हमारी आकाशगंगा यानी गैलेक्सी और मिल्की वे और ब्रह्मांड के बीच की दूरी के लिए उपयोगी है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें सन यानी सूर्य की, तो हमारे दिन को रोशन करने के लिए और हमारे दिन की शुरुआत करने के लिए सूर्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या आपको पता है सूर्य पृथ्वी से 3,33,000 गुना अधिक विशाल है, और सौर मंडल के सभी ग्रहों की तुलना में 750 गुना अधिक विशाल है। और अगर बात करें मून यानी चंद्रमा की, तो हमारे दिमाग में ये बात जरूर आता होगा कि चंद्रमा आकार क्यों बदलता है, यानी कभी हम आधे मून देखते हैं तो कभी फुल मून, तो यह आकार क्यों बदलता है। तो दोस्तों, सच बात यह है कि चंद्रमा आकार नहीं बदलता है, यानी हम चंद्रमा के जो आकार देखते हैं वो इस बात पर निर्भर करता है कि चंद्रमा का चेहरा कितना भाग आलोकित है। इसीलिए कभी कभी हम चंद्रमा के आधे या 3/4 हिस्से को देखते हैं, और फिर एक पूर्ण रूप से प्रकाशमान हुआ चेहरा यानी एक पूर्ण चंद्रमा को देख पाते हैं। और अगर बात करें हमारे अर्थ यानी पृथ्वी की, तो हमारा पृथ्वी हमें आकार में बड़ा लग सकता है, लेकिन एक विस्तृत ब्रह्मांड में हमारा पृथ्वी एक बहुत ही छोटा सा स्पॉट के बराबर है। तो दोस्तों, इसी से आपको पता लग सकता है कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है। तो दोस्तों, ऐसी वीडियोस और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।